झूठा मुकदमा कर प्रताड़ित करने का आरोप अपने ही पुत्रवधु पर लगाते हुए एक परिवार द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल की शुरुआत की गई है। पीड़ित परिवार पहले बेगूसराय सिविल कोर्ट एडीजे 11 कोर्ट के बरामदे पर भूख हड़ताल शुरू किया था, जहां से पुलिस ने उठाकर समाहरणालय गेट पर भेज दिया। मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है और घर की बहू शहजादी खातून ने बकरी थाना में अपने पति मोहम्मद किस्मत देवर नरुद्दीन, सास रुवेदा खातून और ससुर मोहम्मद बदरुद्दीन पर धारा 498 के तहत एक मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उसके पति मोहम्मद किस्मत ने बाजबरिया 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया है और पति के भाई और माँ बाप उस पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। इस मामले को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मोहम्मद किस्मत के भाई मोहम्मद नरुद्दीन, मां रुवेदा खातून और पिता मोहम्मद बदरुद्दीन ने शहजादी खातून के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि शहजादी खातून वर्ष 2020 में ही 6 दिसंबर को अपने 2 बच्चों के साथ घर से भाग गई थी, जिसकी सूचना बकरी थाना और CGM को दी गई थी। बावजूद इसके FIR दर्ज कर पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले में शहजादी खातून के देवर नरुद्दीन, सास रुवेदा खातून और ससुर मोहम्मद बदरुद्दीन को कोर्ट द्वारा जमानत मिल गई है, लेकिन उसके पति मोहम्मद किस्मत को जमानत नहीं मिल रही है। भूख हड़ताल के जरिए परिवार मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, ताकि कोर्ट द्वारा मोहम्मद किस्मत को जमानत मिल सके। बेगूसराय से अंशु कुमार की रिपोर्ट। भूख हड़ताल इसलिए किया कि हम लोग पर जो है बेबुनियाद झूठा बकरी थाना कांड संख्या 485-20 दर्ज हुआ है। कौन किया? वो शहजादी खातून की है। शहजादी खातून आपकी कोई लगती है क्या? शहजादी खातून हमारी भाभी ही लगती है। भाभी आपके मुकदमा की? जी। कौन सा मुकदमा? वो 498 है। 498 है हमारे भाई के ऊपर, हम अपने हस्बैंड पर आरोप लगाई है, हमको 3 बार तलाक तलाक बोल करके घर से बाहर कर दिया। और हमारे पिता और माता पर आरोप है, तो वो उसकाए तब जा करके हमारे हस्बैंड हमको तलाक दिया। हमारे पर आरोप है कि हमको नूरुद्दीन जो है उठा करके पटक दिया सड़क पर और चांदी की सिकरी छीन लिया है, जबकि वो 6 दिसंबर 2020 को माचिस लाने के बहाने दोनों बच्चे के साथ भाग कर गई। ये सूचना हम बकरी थाना, दारुल कजा और बेगूसराय CGM साहब को हम दे चुके थे पहले। उसको FIR करने से पहले हम सूचना दे चुके थे जैसे भाग कर गई। उसके बावजूद जो है उसका आवेदन लेकर के बकरी थाना केस कर दिया। अभी क्या मैटर हुआ? अभी मैटर ये है कि जब हम फाइल किए उसी समय से हम जो है से बेल कराने के चक्कर में तो डिस्ट्रिक्ट में फाइल किए तो डिस्ट्रिक्ट भेज दिए वहाँ SDGM में। और SDGM में जब 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 फाइल हुआ तो उस रिकॉर्ड को SCGM के यहाँ भेज दिया। SCGM जो है से बोले 498 धारा 498A को हम नहीं देख सकते हैं, SDGM बेगूसराय जाइए। SDGM बेगूसराय जब यहाँ आए तब जा करके फिर वहाँ से फाइल हुआ हमारा बेल, हमारा भाई का, हमको बेल हो गया 3 आदमी का। हमारा भाई की जब फाइल हुआ तो उसमें जो है उसका आरोप को सही मानते हुए मजबूत से लिख करके और रिजेक्ट कर दिए। तो 5 बार उस कोर्ट में फाइल हुआ। तो कहाँ पे धरना दिए हुए थे इससे पहले आप? कोर्ट में धरना दिए हुए? हाँ, ADJ 11 के पास, उस कोर्ट का नाम है उनके बरांडा में। बरांडा में धरना दिए हुए थे जी, कल्पना श्रीवास्तव हाकिम का नाम है जी, वहीं पर हम धरना दिए हुए थे जी। उसके बाद जा करके थाना प्रभारी, यही टाउन थाना हो या कोई भी थाना, पुलिस आकर के हमको बोले कोर्ट में आप धरना नहीं दे सकते हैं, चलिए हम धरना के लिए आपको जगह बताते हैं। ये जगह जो आपको बताए हैं जी, धूप इतना है, कितना देर तक आप ये धूप में बैठ सकते हैं? जितना देर आप किए हुए हैं जी, प्रशासन आपको यहाँ बैठाई है, व्यवस्था आपको दी थी यहाँ बैठने की? नहीं, व्यवस्था नहीं दी है पुलिस। धूप बहुत है, धूप बहुत है, तो उनको ये समझना चाहिए हम व्यवस्था कर दे। जब उस जगह को हम इसको बदलवा रहे हैं, ADJ 11 के पास नहीं बैठने दे रहे हैं, तो जगह इसके लिए हम अच्छा कर दें ताकि वहाँ पर भूख हड़ताल लिए कर सके धूप से बचते हुए। कितना दिन के लिए आप भूख हड़ताल कीजिएगा? अनिश्चितकालीन, जब तक आपको न्याय नहीं मिले। जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम भूख हड़ताल पर डटे रहेंगे। क्या नाम? हमारा नाम मोहम्मद नूरुद्दीन है।